सो हेलो गाइज, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो चलो गाइज, फाइनली आज मैं आपको नंबर साइंस का कॉन्सेप्ट, यूनिक नंबर का कॉन्सेप्ट, स्टॉक मार्केट में कैसे यूज करते हैं, क्या बेनिफिट होता है, क्या तरीका होता है, कैसे ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं, हर एक चीज काफी डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, अभी वीडियो स्टार्ट की हुई कितना सेकंड हुआ होगा, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, पूरा वीडियो को ध्यान से देखना। अगर पसंद नहीं आए ना, कमेंट में जाओ गाली लिखना, मैं एक्सेप्ट करूंगा। बट अगर वीडियो अच्छा लगा तो आपका फर्ज है आप लोग लाइक करना, और गारंटी देता हूं गाइस, काफी यूनिक कॉन्सेप्ट है यार, कोई नहीं पढ़ाया ऐसा कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैं पर्सनली इस कॉन्सेप्ट को काफी ज्यादा यूज करता हूं, मैं आपको लाइव प्रूफ करके दिखलाऊंगा यार। अभी कल जो भी इंस्टाग्राम में फॉलो करता होगा आपने देखा होगा, लाइव प्रूफ मैंने दिखलाया था, कैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था कि यार एक्सपायरी का कैंडल ग्रीन कैंडल ही बनेगा, और कैसे हम लोगों ने देखा था, कैसे ये नंबर आ गया था कि यार देयर इज अ वेरी हाई चांसेस कि यार कोई न्यूट्रल कैंडल बनेगा, चाहे वो डोजी हो चाहे वो स्पिनिंग टॉप हो, हर एक चीज काफी डिटेल में बताऊंगा। आपका काम क्या है, पूरा वीडियो को ध्यान से देखना, समझना, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी इस वीडियो को देखोगे। ठीक है, और कब इस वीडियो को देख पाओगे, ऐसा नहीं कि यार कहीं चल रहे हो वीडियो देख लो, ऐसा मत करना, टाइम लेना, वीडियो को डाउनलोड कर लो, जब टाइम मिले पूरा अच्छे से देखना। छोटा वीडियो बनाऊंगा, ज्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, बट ध्यान देना यहाँ पे। ठीक है, चलो कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है क्या गाइस, ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है नंबर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, कौन कौन से नंबर का क्या कॉन्सेप्ट, वो भी चीज मैं आपको बताता हूं। ठीक है, बेसिकली देखो गाइस, मार्केट एट द एंड है क्या, गेम क्या है, खुद बताओ, सोच के बताओ मार्केट गेम क्या है। अगर आप देखो ये गाइस, यहां पे देखो गेम क्या है, पूरा गेम देखना, इस तरफ क्या लिखा हुआ है, ये पूरा इस तरफ क्या लिखा हुआ है, प्राइस लिखा हुआ है, नीचे की तरफ पूरा क्या लिखा हुआ है, जो नीचे लिखे रहता है डेट लिखे रहता है। डे एंड पे देखा जाए, स्टार्टिंग होता है भाव से बात और समय का, भाव और समय का बात होता है। इस भाव और समय के साथ जो बात किया जाता है, किसका बात किया जाता है, इन कैंडल्स का बात किया जाता है, किसका बात किया जाता है, इन कैंडल्स का बात किया जाता है। ठीक है, तो एकदम शॉर्टर चीज में अगर मैं आपको बताऊं तो बोला जा सकता है कि यार मार्केट क्या कर रहा, मार्केट प्राइस, पी फॉर प्राइस, टी फॉर टाइम, सी फॉर कैंडल, प्राइस और टाइम के बीच में मिलके कैंडल्स बना रहा। हाँ या ना? अब कैंडल्स में भी अगर आप यूनिक कॉन्सेप्ट देखोगे क्या होता है, आप 5 मिनट का कैंडल देखते हो, आप 1 मिनट का देखते हो, आप 15 मिनट का देखते हो, आप देखते हो 1 घंटा का, आप देखते हो 1 वीक का, आप देखते हो फिर एनी हाउ, मान लो मैक्सिमम अगर कोई जाता है तो 1 मंथ का जाता है। ऐसा क्यों होता है भाई, ऐसा क्यों होता है कि अपन 10 मिनट का ना देखे, ऐसा क्यों होता है कि अपन 13 मिनट का ना देखे, ऐसा क्यों होता है अपन 14 मिनट का ना देखे, कुछ रीजन होता होगा ना यार। ऐसा तो नहीं कि ट्रेडिंग व्यू आपको ऑप्शंस नहीं देता है, आप देखो आपको ट्रेडिंग व्यू यहाँ पे क्लिक करो, आपको 1 मिनट 3 मिनट का भी ऑप्शन दे रहा, आपको 45 मिनट का भी ऑप्शन दे रहा, आपको 30 मिनट का भी ऑप्शन दे रहा, आप चाहो तो आप कस्टम डेट्स कुछ लिखना चाहो, कस्टम टाइम लिखना चाहो, आप लिख सकते हो। बट ऐसा क्यों होता है कि अपन ज्यादा प्रिफर करते हैं 3 मिनट को कर लेते हैं, 1 मिनट को कर लेते हैं, 15 मिनट को कर लेते हैं, कोई कोई 30 मिनट को भी करता है। ठीक है, जब आप क्रिप्टो में बात करते हो तो 30 मिनट को बहुत प्रेफर किया जाता है, 60 मिनट को किया जाता है। ठीक है, 60 मिनट यानी 1 आवर को किया जाता है। बट ऐसा क्यों होता है कि अपन ऑड टाइम को नहीं देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अपन नहीं देखते यार कि 5 मिनट में क्या हो रहा वो देखेंगे, पर ये नहीं देखेंगे 6 मिनट में क्या हो रहा, ये नहीं देखेंगे 7 मिनट में क्या हो रहा, क्यों? क्योंकि एट द एंड गाइस देखो, ये पूरा गेम नंबर्स का है। ठीक है, पूरा गेम नंबर्स का है। अगर मैं आपको हर एक चीज समझाऊं, सो अभी देखो गाइस, जो नंबर्स का मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं आपके साथ ना 3 नंबर्स के बारे में काफी डिटेल शेयर करने वाला हूं। ठीक है, एक है नंबर 3, एक है नंबर 5, एक है नंबर 9, और बोनस नंबर कौन सा है, इनके अलावा एक बोनस नंबर होता है नंबर 6। ठीक है, मैं आपको इन तीनों के बारे में ना थोड़ा इंपॉर्टेंस बताता हूं। ठीक है, आप में से काफी लोगों ने इसके पहले वाला वीडियो देख रखा होगा, बट फिर से देखो, फिर से समझो। जो नंबर 3 होता है, इसको क्या नंबर बोला जाता है जानते हो, इसको बोला जाता है, मैं पर्सनली बोलता हूं, दुनिया नहीं बोलता है, मैं बोलता हूं, दोबारा बोल रहा हूं, इसको बोला जाता है स्टार्टर। ठीक है, स्टार्ट। नंबर 5 को बोला जाता है बैलेंसर, यानी बैलेंस। नंबर 9 को बोला जाता है सैचुरेशन, कि हाँ भाई अब इतना ऊपर जा चुका है, जो आप लोग बोलते हो ना यार मनीष भाई मार्केट इतना ऊपर चढ़ गया, वो जो इतना का जो डेफिनेशन है ना वो है नंबर 9, जिसको अपन बोलते हैं एंड। स्टार्टर, बैलेंस, एंड। ठीक, ये होता है हम लोगों का, इन नंबर्स का आप बोलोगे नाम दिया जाए तो ये नंबर्स का नाम दिया जाता है। ठीक है, अब अलग अलग नंबर्स का अलग अलग यूज है। सबसे पहले मैं आपको ना 3 और 5 का यूज बता देता हूं, ठीक है, फिर अपन नंबर 9 का भी यूज देखेंगे। 3 और 5 क्या है ना गाइस, बेसिकली 3 और 5 को बोला जाता है कि स्टार्ट, कोई भी चीज का ना स्टार्ट है। नंबर 3 को स्टार्ट बोला जाता है, नंबर 5 को बैलेंस बोला जाता है। यूजुअली क्या होता है, जब भी हमारा मार्केट ट्रेंडी होता है,
अभी हाल फिलहाल का मैं आपको एग्जांपल के तौर पे भी समझाऊंगा। ऐसा तो नहीं होता यार कि मार्केट 40,000 से डायरेक्टली पूरा ट्रेंडी होकर 42,000 चले जाए, पॉसिबल है क्या? बहुत रेयर केस में पॉसिबल है। यूजुअली क्या होता है, मार्केट चढ़ता है, रुकता है, फिर चढ़ता है, फिर रुकता है। ये जो चढ़ना और रुकने का बीच का जो डेफिनेशन है ना, वो कहीं ना कहीं नंबर 3 और नंबर 5 बहुत अच्छे से शो करता है। अगर वो चीज मैं आपको यहां पर ड्रॉ करके दिखलाऊं, चार्ट में समझाऊं, आपको भी समझ में आएगा। ये देखो, ये तो हर किसी को याद है, अभी लेटेस्ट में हम लोगों का ये रैली हम लोगों को देखने को मिला था। एक काम करता हूं, थोड़ा चार्ट आप लोगों के लिए और जूम कर देता हूं। ये लो, मैंने आप लोगों के लिए ना चार्ट को जूम कर दिया, ठीक है? भाड़ में जाए दुनियादारी, भाड़ में जाए, पुराना बात सब वेस्ट है, नया बात सीखो, थोड़ा देखो, थोड़ा समझने का ट्राई करो, ठीक है? आप अगर यहां पे देखो गाइस, ऐसा क्या है मैजिक? आप लोगों को याद नहीं है ना, मैं चैलेंज देता हूं, वेनसडे का ना जाके मैंने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया था, वेनसडे का वीडियो देखना। वेनसडे को मैंने क्लियर कर दिया था कि देयर इज अ वेरी हाई चांसेस कि थर्सडे का जो हमारा कैंडल बनेगा ना, वो एक ग्रीन कैंडल बनेगा। और स्पेशली कौन सा ग्रीन कैंडल बनेगा, वो डोजी या तो स्पिनिंग टॉप बनेगा। भाई आप लोग बिलीव नहीं करोगे गाइस, ये कैंडल में जितना दम है ना, उतना किसी में दम नहीं है। आज जो मैं आप लोगों के सामने यहां पे खड़ा होकर जो डायलॉग बाजी कर रहा हूं ना, इन कैंडल्स के हेल्प से ही कर रहा हूं। अगर इस वीडियो पे रिस्पॉन्स अच्छा आता है, लाइक अच्छा आता है, आपको पता है लाइक का टारगेट क्या होता है, 3.5K। अगर लाइक आ जाता है 3,500, इन कैंडल्स के ऊपर भी वीडियो डालूंगा। बैक टू टॉपिक, समझो क्या इतना कॉन्फिडेंस था कि मैंने बोला यार थर्सडे को ग्रीन कैंडल ही बनेगा। ये कॉन्फिडेंस होता है गाइस बिहेवियर का कॉन्फिडेंस। अगर मैं आपको यहां पे दिखलाऊं, इन सब चीजों को रिमूव करूं, ये देखो इन सब चीजों को मैंने रिमूव किया, यहां पे इन साइकिल को देखना क्या ऐसा कोइंसिडेंट हुआ। आप देखो, एक ग्रीन कैंडल, दो ग्रीन कैंडल, तीन ग्रीन कैंडल, नंबर 3 आ गया। फिर उसके बाद देखो, एक रेड कैंडल, दो रेड कैंडल, तीन रेड कैंडल, जैसे ही तीन रेड कैंडल तीन ग्रीन कैंडल बना, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी जो हमारा चौथा कैंडल बनेगा वो एक ऑड कैंडल बनेगा। ऑड कैंडल मतलब क्या हुआ, इमेजिन अ कंडीशन, अगर मार्केट एक ग्रीन कैंडल, दो ग्रीन कैंडल, तीन ग्रीन कैंडल बना दिया है, ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो गया, क्या इंक्रीज हो गया कि चौथा कैंडल हम लोगों का रेड कैंडल बनेगा। तो अब इससे आप क्या कर लोगे, इस प्रोबेबिलिटी से आप क्या कर लोगे? आप क्वेश्चन नहीं आना चाहिए ना, मनीष भाई पता तो लग गया कि ये पेन है, इस पेन को यूज भी तो करना आना चाहिए, क्या यूज कर लोगे? सिंपल यूज है, अगर तीन ग्रीन कैंडल बना है तो चौथा ग्रीन ही कैंडल बनेगा, मैं उसके ऊपर ट्रेड नहीं लूंगा, मैं अपने आप को प्रिपेयर करूंगा कि हाँ भाई मेरा कैंडल अब रेड बनने वाला है, एक थोड़ा सैचुरेशन आ चुका है, मैं वेट करना पसंद करूंगा, ठीक है? ये होता है नंबर 3 का बेनिफिट। आप देखो लेटेस्ट में तीन ग्रीन कैंडल, देखो तीन रेड कैंडल, फिर एक ग्रीन कैंडल बन गया। और मैजिक जानते हो गाइस क्या है, मैजिक तो यार इन न्यूट्रल कैंडल्स में भी है। आप देखो जो थर्सडे को कैंडल बना, अगर आपको दिख रहा होगा थर्सडे को कैंडल, ऐसा क्यों हुआ कि न्यूट्रल कैंडल ही बन गया, क्या ऐसा लॉजिक था? आप देखो, आप कभी भी भाई, आप कोई भी रैंडम डेज देख लो, आप देखो, ये देखो क्या ऐसा लॉजिक था कि भाई लगातार तीन दिन मार्केट इतना शार्पली फॉल किया। ये देखो जो लेटेस्ट में फॉल किया था ना, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, पूरा शार्प रैली आया, बट जैसे ही चौथा दिन आया मार्केट अगेन थक गया भाई, न्यूट्रल कैंडल बना दिया, थक गया ना, रेड न्यूट्रल कैंडल बना, बट बना ना, ठीक है। बट उसका भी कोइंसिडेंट देखो, ये एक बार होता है ना तो आप बोल दोगे ना मनीष भाई कोइंसिडेंट, तो आप बोल दे रहे हो। आप और देखो यहां पे, देखो ये जो लेटेस्ट में फॉल आया, एक रेड कैंडल, बड़ा सा रेड कैंडल, फिर दूसरा रेड कैंडल, फिर तीसरा रेड कैंडल, तीन रेड कैंडल बना के ही वो थक गया ना, बनाएगा वो चौथा भी रेड बना सकता है, बट आप लोग ये सोच लोगे ना यार मनीष भाई एकदम बड़ा बनाएगा, भाई नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है मार्केट के लिए तीन से ज्यादा जाने के लिए, ठीक है। अभी और देखो, अभी एक दो देख के ना खुश मत हो जाओ, अभी और देखो, मैं आपको लेके चलता हूं 1 month टाइम फ्रेम पे, ठीक है, ये रहा 1 month टाइम फ्रेम। अभी और देखो यहां पे, और देखो और मजा आएगा। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं ना गाइज, मुझे आज भी याद है मैंने सीना ठोक के बोल दिया था कि अगर मार्च का कैंडल रेड कैंडल बन जाएगा ना, मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा, मैंने इतना प्राउडली बोल दिया था। क्यों बोला गया था समझना, आप देखो एक रेड कैंडल, दो रेड कैंडल, तीन रेड कैंडल ऑलरेडी बन चुका था, देयर इज अ हाई, वेरी 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 हाई प्रोबेबिलिटी कि ये मंथ का कैंडल यानी चौथा मंथ का कैंडल एक ग्रीन कैंडल नहीं तो एक न्यूट्रल कैंडल बनेगा ही बनेगा। और आप देखो न्यूट्रल कैंडल बना, आप बोले कहते मनीष भाई कोइंसिडेंट है, और दिखला देता हूं, देखो थोड़ा देखो चीजों को समझो, ये देखो कोविड का फॉल देख लो, फॉल देखो, एक रेड कैंडल, दो रेड कैंडल, तीन रेड कैंडल बना के इतना बड़ा फॉल किया, आप बोलोगे फिर कोइंसिडेंट है मनीष भाई। यहां पे देखो एक रेड कैंडल, दो रेड कैंडल, तीन रेड कैंडल बना के ही फॉल किया, आप बोल दोगे फिर कोइंसिडेंट है। ये देखो जब आप मार्केट में अवेलेबल नहीं थे ना, मैं भी अवेलेबल नहीं था, मैं तो 2018 में मार्केट में आया हूं,
ठीक है, बट जब मैं भी अवेलेबल नहीं था आप भी अवेलेबल नहीं थे, ये देखो 2017 का डेटा देखो, 3 रेड कैंडल बना के ही मार्केट फॉल किया, ठीक है। जब आप हम और बहुत सारे यूट्यूबर भी अवेलेबल नहीं थे उस समय का भी डेटा दिखला देता हूं, ठीक है। ये देखो यहां का डेटा देख लो, चलो ये देखो, ये डेटा देखो कब का डेटा है, ये 2006 का डेटा है, ठीक है। ये रहा 2006 का डेटा, देखो 3 रेड कैंडल बनाया मार्केट, फिर उसके बाद हिम्मत हो पाया कि मार्केट बना दे, हो पाया क्या? नहीं हो पाया। और देखो ना यार, एक दो देख के खुश क्यों हो रहे हो, और देखो, मैं तो और दिखलाने के लिए तैयार हूं यहां पे। ये देखो, ये देखो, ये 2006 का फिर से देखो डेटा, 1 रेड कैंडल, 2 रेड कैंडल, 3 रेड कैंडल, मार्केट थक गया, उसके बाद नहीं बना पाया। क्यों ऐसा हो रहा? क्योंकि भाई नंबर 3 हमारा स्टार्टर है, ये इतना इंपॉर्टेंट है। जैसे शादी में जाते हो तो खाना खाओगे, बट स्टार्टर पहले खाते हो ना, चाउमीन आइसक्रीम सब खाओगे ना, तो ये हमारा नंबर 3 ये स्टार्टर है मार्केट का, इतना इंपॉर्टेंट है कि आप बोलोगे यार मनीष भाई क्या ये खाली बड़े टाइम फ्रेम में काम करता है क्या? नहीं, छोटे टाइम फ्रेम में, चलो हटाओ इसको, हटाओ पूरा हटाओ, छोटे टाइम फ्रेम में लेके चलो। छोटा टाइम फ्रेम कौन सा टाइम फ्रेम? मेरा पर्सनल फेवरेट कौन सा टाइम फ्रेम है आपको पता होगा, जो मेरे स्टूडेंट है उनको पता होगा, कमेंट में लिखो कौन सा टाइम फ्रेम है। मैं आपको बता देता हूं गाइस, मेरा पर्सनल फेवरेट टाइम फ्रेम है 15 मिनट का टाइम फ्रेम, 15 मिनट एंड 1 आवर, ठीक है। आप दोनों को देखोगे ना, आपको अभी कुछ दिख नहीं रहा होगा, 15 मिनट और 1 आवर, क्यों मनीष भाई? क्योंकि दोनों में देखो अगेन, अगर आप इसमें नंबर साइंस यूज करोगे, दोनों नंबर 6 पे आ रहा। आप देखो 1+5, 15 को अपन ऐसे लिख सकते हैं 1+5 नंबर 6, 1 आवर को क्या लिख सकते हैं, 1 आवर = 60 मिनट, अगेन नंबर 6 आ गया। नंबर 6 के ऊपर अभी बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा गाइस, क्योंकि नंबर 6 अपने में बहुत यूनिक नंबर है, इसके ऊपर आने वाले टाइम में मैं आपको बता दूंगा। बट 359 का आज कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं, मैं लेके चलता हूं आपको अपने पर्सनल फेवरेट टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। यहां पे देखो थोड़ा चीजों को, ठीक है, बहुत नीचे चले गए क्या अपन? हाँ, यहां पे चीजों को देखो, ये रहा चार्ट मैंने आपके सामने ओपन किया, ठीक है। अब देखो यहां पे, और आपको चीजों के बारे में अब और अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। अब देखो गाइस, जब भी आप देख लो मैं क्या बोलता हूं, मान करके चलो आप बोलना चाहोगे कि मनीष भाई इसका यूज कैसे करें, समझना, कोई इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। मान लो कोई इंपॉर्टेंट लेवल है, एक ग्रीन कैंडल बना, दूसरा ग्रीन कैंडल बना, तीसरा ग्रीन कैंडल अगर बन के इसको ब्रेक कर रहा है ना, मैं एक्टिव हो जाऊंगा मार्केट में। क्या एक्टिव हो जाऊंगा? कि देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी भाई ये ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, अगर उसको ऊपर जाना है उसको यहां पर रुकना होगा, भले चौथा में रुके भले पांचवा में रुके, वो रुकेगा, उसके बाद ही वो ऊपर जाएगा। अब आप बोलोगे मनीष भाई थोड़ा प्रूफ दिखलाओ ना, तो मजा भी आए, समझना, प्रूफ दिखला रहा हूं 15 मिनट टाइम फ्रेम में, प्रूफ दिखला रहा हूं। देखो अभी इस चार्ट में आऊंगा ना, तो आप बोलोगे अरे मनीष भाई लेटेस्ट का है तो आप तो बता दे रहे हो, रैंडमली चलते लो ऐसे किया, ये अंगली मैंने पकड़ा, दो अंगली से ऐसे रैंडमली कहीं पे भी लेके चल जाओ। देखो ना मुझे नीचे टाइम दिख रहा ना कुछ दिख रहा, चलो मैं आपके तरफ देख लेता हूं, ऐसे नॉर्मली लेके चले गया। मान लो कहीं का भी डेटा आ गया, नीचे कैंडल नहीं दिख रहा, आप ऊपर करो, ऊपर करो। यहां पे थोड़ा चीजों को अब अपन देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब आप देखो कौन सा डेट है, ये डेट है मेरा 29th मार्च 2023, ऑलमोस्ट बोल सकते हो अभी से जस्ट 15-20 दिन पहले। देखो कोइंसिडेंस देखो भाई मेरे, 1, 2, 3 बना, 3 रेड कैंडल, फिर उसके बाद मार्केट को जो करना था किया, ये देखो कोइंसिडेंस देखो, 1, 2, 3 फिर से 3 रेड कैंडल बना, उसके बाद जो मार्केट को करना था किया। और देख लो ना यार यहां पे देखो, 1, 2, 3 उसके बाद जो मार्केट को करना था किया। आप रैंडमली और पीछे चल जाओ, कहीं पे भी और पीछे चले जाओ, लो कहीं पे भी और अपन पीछे चले गए, रैंडमली देख लेते हैं, कहीं का भी डेटा देख लेते हैं, ठीक है। ये हाल फिलहाल का डेटा है, तो मान लो आपको लगता होगा मनीष भाई आपको याद है डेटा, लो एकदम पीछे चले गए, देखो अभी मेरे को कैंडल्स भी नहीं दिख रहा, अब दिखना स्टार्ट किया। अब यहाँ का देख लेते हैं, ठीक है, ये रहा यहाँ का देख लेते हैं। ये देखो स्टार्टिंग में तो काम करेगा ही करेगा भाई, 11:30 बजे के पहले काम करता ही करता है। आप देखो 1, 2, 3 फिर रुका, फिर इसको गिरना था, फिर कंटिन्यू किया, गिरना स्टार्ट किया। तो भाई नंबर 3 का ये मैजिक है, नंबर 3 बेसिकली ये नंबर है ना, वो आपको बता देता है हाँ कोई भी चीज का स्टार्ट हो गया है, लगातार 3 बन गया है, स्टार्ट हो गया है। अगर 3 बनने के बाद लगातार 3 बना, फिर एक ऑड कैंडल बना, फिर उसी डायरेक्शन में चली गया, यानी एक ट्रेंडी मार्केट है, एंजॉय करो, ठीक है। तो नंबर 3 का इंपॉर्टेंस आप लोगों को समझ में आया, लाइफ प्रूफ दिखा, ठीक है। अगर समझ में आया तो किसका वेट कर रहे हो गाइस, पहले कमेंट करो, आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो आगे मेरा मन नहीं करता है, कमेंट करो। और 3.5K लाइक एम का टारगेट है, अभी OTM पे भी मैं वीडियो लाऊंगा, और अभी 3.5K का लाइक एम का टारगेट अगर इस वीडियो का पूरा होगा तो आप लोगों के साथ कैंडलस्टिक सेटअप के ऊपर एक ऐसा वीडियो लाऊंगा कि बिलीव नहीं करोगे। अब आगे बढ़ते हैं, नंबर 5 का इंपॉर्टेंस देखते हैं। देखो गाइस एकदम सिंपल शब्द में बताया जाए ना, तो कोई भी चीज का सैचुरेशन लेवल होता है, ठीक है, लेवल होता है कोई भी चीज का। अगर नंबर 3 सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट जहां पे अपन जंप करते हैं वो जंप करते हैं नंबर 5 के पास,
ठीक है, कि मान लो अगर मनीष भाई क्या पता 3 रेड कैंडल ना बनाओ, क्या पता 5 बन जाए, क्या पता 7 बन जाए, 7 बनेगा तो कोई मतलब नहीं है, 3 या तो 3 के अलावा क्या 5। पांच बेसिकली क्या होता है, अगर मैं आपको यहां पे लिख के दिखलाऊं, देखना समझना, बहुत प्यारा प्यारा चीज समझाऊंगा भाई, कोई पूरा यूट्यूब में नहीं समझा रहा आप लोगों को, समझना ये चीज, ठीक है। बेसिकली पांच क्या होता है, ये चीज आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। देखो आप लिखो नंबर्स, आप लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप नंबर लिख लिए। नंबर 5 को मैंने आपको क्या लिख के बताया था, नंबर 5 इज अ बैलेंस्ड ऑफ स्टॉक मार्केट, बैलेंस्ड ऑफ नंबर सीरीज। अगर अभी आप देखोगे यहां पे दिख रहा नंबर 5, क्या है नंबर 5, नंबर 5 के इर्द गिर्द इधर 4 नंबर, इधर 4 नंबर, तो बोला जा सकता है हाँ मनीष भाई नंबर 5 सेंटर का नंबर है, और सेंटर को अपन साइंस में भी क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड बोलते हैं। अगर मेरे को ये पेन को बैलेंस करना है तो मेरे को इसका सेंटर ही ढूंढना होगा, तभी ये पेन बैलेंस हो पाएगा। क्या मैं इधर रख दूंगा अपना उंगली तो ये पेन बैलेंस हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। मुझे कहां रखना होगा, मुझे सेंटर में रखना होगा, जब मैं सेंटर पे रखूंगा तभी ये बैलेंस्ड होगा, तभी हम लोग यहां से डिसीजन ले सकते हैं। डिसीजन कब लिया जाता है, जब माइंड बैलेंस्ड हो। तो सेम गोज विद नंबर 5। नंबर 5 बेसिकली गाइस हम लोगों का बैलेंस्ड बताता है कि ओवरऑल बैलेंस क्या है, ठीक है, ओवरऑल बैलेंस क्या है, मार्केट फॉल किया क्या 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 बैलेंस लेवल पे आया कि नहीं आया। अब उस चीज को और अच्छे से समझिए, ठीक है, इसको मैं क्लीन करता हूं, आपको अच्छे से समझाता हूं। सो ये देखो गाइस, अभी नंबर 5 का इंपॉर्टेंस बताता हूं, कौन सा टाइम फ्रेम खुला हुआ है, 1 डे टाइम फ्रेम खुला हुआ है, ठीक है। अब 1 डे टाइम फ्रेम पे भी अगर आप लोग देखोगे, देखो क्या मैंने आपको बताया, नंबर 3 का आपको मैंने इंपॉर्टेंस बता दिया। नंबर 5 क्या होता है ना बेसिकली गाइस, देखो नंबर 5 ये होता है, मान करके चलो नंबर 3 में मैंने आपको क्या बताया कि एक ग्रीन कैंडल बना, दूसरा ग्रीन कैंडल बना, तीसरा ग्रीन कैंडल बना, ठीक है। अब क्या चांसेस है, देयर इज अ वेरी हाई चांसेस, बड़ा बड़ा 3 ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद ना छोटा ही छोटा कैंडल बनेगा, हाई चांसेस रहता है, ठीक है। बट ये 3 बड़ा कैंडल के साथ कितना छोटा कैंडल बनेगा वो नंबर 5 बताता है। अगर मैं आपको ये चीज करके बताऊं, यहां पे देखो, यहां पे आपको दिख जाएगा गाइस, अभी दिख जाएगा आपको। देखो गाइस, हाल फिलहाल में जब हमारा मार्केट ये बुल रन लिया था, ठीक है, आप देखो खुद देखो, ये न्यूट्रल कैंडल स्टार्ट, उसके बाद देखो एक बड़ा कैंडल, दूसरा बड़ा कैंडल, तीसरा बड़ा कैंडल, ये आ गया नंबर 3 का कॉन्सेप्ट। उसके बाद देखो 2 छोटा छोटा न्यूट्रल कैंडल, बट वो भी क्या रेड कलर का है क्या, नहीं, वो भी आप देख लो वो भी ग्रीन कलर का है। वो क्यों ग्रीन कलर का है, क्योंकि उसने नंबर 5 का बैलेंस लिया। ये देखो उसने नंबर 5 का बैलेंस लिया, ये आ गया नंबर 5। उसके बाद देखो अगेन एक ऑड कैंडल बना और अगेन बंपर रैली, अगेन बंपर रैली 3 का, अगेन 3 का, और फिर देखो यहां पे मार्केट रोक रहा अपने आप को। आप बोलोगे मनीष भाई एक बार हो गया तो आप इतना चिल्ला चिल्ला के बता रहे हो, और दिखलाओ नंबर 5 का एग्जांपल। अरे मैं बोल रहा हूं ज्यादा पीछे मत जाओ भाई, आप यहीं पे देखो ना, 1 2 3 4 5, 5 रेड कैंडल बना के गिरा, उसके बाद ही मार्केट चढ़ पाया। आप बोलोगे और एक बार दिखला दो मनीष भाई कहीं, चलो ना एकदम पीछे कहीं चल लेते हैं, रैंडमली देख लेते हैं। ये देखो रैंडमली आ गए अपन यहाँ पे, न्यूट्रल कैंडल से स्टार्ट है, रुकेंगे उसके बाद के कैंडल को देखेंगे, 1 2 3 4 5 बना, रैली स्टार्ट हुआ। और अगर आपको कहीं पीछे जाके देखना है, और पीछे जाके कहीं पे भी देख लो, ये देखो नंबर 3 का तो देखते जाओ, नंबर 3 तो ऐसा है कि हर जगह दिखेगा भाई। ये देखो नंबर 3, देखो 3 ग्रीन कैंडल बना, फिर ऑड कैंडल बना, फिर मार्केट चेहरा। बट नंबर 5 को मैं आपको दिखलाता हूँ, हाँ डेफिनेट सब बात है, नंबर 5 और नंबर 3 में आप बोलोगे नंबर 3 को यूज करना ज्यादा ईजी है गाइस, नंबर 5 बहुत कॉम्प्लिकेशन बढ़ा देता है, न्यूट्रल कैंडल क्योंकि आ जाता है ना, और न्यूट्रल कैंडल का मुझे आपको मुझे पता है ना, आपको नॉलेज ही नहीं है। आप लोग 3.5 के लाइक करो, मैं नॉलेज आपको दूंगा। ये देखो यहाँ पे देखो हाल फिलहाल का गिरावट देखो, 1 2 3 4 5, यहाँ पे देखो 2 कैंडल बना हुआ है, न्यूट्रल कैंडल रहता मैं नहीं गिनता, बट वो इस टाइप का कैंडल है, ये देखो बना। आपको समझ में आया नंबर 3 नंबर 5 का क्या इंपॉर्टेंस है, और नंबर 9 का मैं बताता हूँ आपको, नंबर 9 का बताऊँ उसके पहले लाइक कर दो, ठीक है, कमेंट कर दो, लाइक कर दो। अब नंबर 9 का इंपॉर्टेंस बताता हूँ, थोड़ा इस चीज को समझना, ठीक है भाई। अगर दुनिया में कुछ मैजिक है ना, अगर दुनिया में कुछ जादू है, ठीक है, ऐसा मैं जादू तंत्र विद्या पे बिलीव नहीं करता हूं, बट अगर कोई दुनिया में जादू है तो वो जादू इस नंबर का है, नंबर 9 का, ठीक है। इतना 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 ज्यादा पावरफुल नंबर है भाई, इससे ज्यादा पावरफुल नंबर कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि एंडिंग ही इसी से होता है। आप बोलोगे मनीष भाई आपने इसका नाम एंड क्यों रखा, समझना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंड ही यहीं पे हो गया, ठीक है। 9 के आगे आप थोड़ी ना जोड़ोगे, 0 से आप स्टार्ट करोगे भी तो भी 9 पे ही जाएगा, आप और इसके उधर कोई स्टार्ट कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। कोई भी संख्या का मैं आपको बोलूंगा, 2 डिजिट संख्या का बड़ा लार्जेस्ट नंबर बताओ, आप क्या लिखोगे, आप 99 ही लिखोगे,
मैं बोलूंगा 3 डिजिट नंबर का लार्जेस्ट नंबर बताओ, आप 999 लिखोगे। मैं बोलूंगा 4 डिजिट का बताओ, आप 9999 ही लिखोगे। आप इसके अलावा कुछ लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते हो, क्योंकि 9 का ये पावर है भाई, 9 पे ही एंड होना है, 9 पर ही एंड होना है। अभी मैं आपको और अच्छे से दिखलाऊं, और अच्छे से आपको समझ में आएगा 9 का, और आपको बिहेवियर समझ में आएगा। 9 देखो, मैंने यहाँ पे 9 लिखा, 9 का बिहेवियर क्या है ना भाई। अब 9 आप निकालो कैसे, आप कैसे भी निकाल सकते हो। मान करके चलो मैंने यहाँ पे 18 लिखा, ये भी 9 है। कैसे 9 है? 1 + 8, दोनों डिजिट को ऐड करो, क्या आ गया? 1 + 8 = 9। मैंने यहाँ पे लिख दिया, मान करके चलो मैंने यहाँ पे लिख दिया 99, ये भी 9 है। कैसे 9 है? 9 + 9 = 18, फिर 2 डिजिट का नंबर आया। अब इसको फिर ऐड करो, 1 + 8 अगेन 9 आ गया। ऐसे ऐड किया जाता है, नंबर साइंस के अकॉर्डिंग ऐसे ऐड किया जाता है। अब इस चीज को अच्छे से समझना, क्लियर करता हूं मैं, समझना। देखो गाइस, 9 ना, मैं यहाँ पे 9 लिख देता हूँ, अपने में बहुत रिस्पेक्टेबल नंबर है। अगर आप 9 को यूज करना सीख गए, आप सब कुछ यूज करना सीख जाओगे। अब समझना, मैंने ये चीज इसके पहले भी बताया, ये एक सर्कल है, ठीक है? कुछ ज्यादा परफेक्ट सर्कल बन गया, ये एक सर्कल है मान लो, ठीक है? ये सर्कल का जब आप एंगल देखोगे, क्या एंगल होता है? 360 डिग्री होता है। जब नॉर्मल सर्कल होगा, 360 डिग्री एंगल होगा, क्या आया पहला आउटकम मेरा? आया 360 डिग्री, यानी 3 + 6 + 0, 9 आ गया। आ गया। अब इस सर्कल को आप बीच से काट दो, बीच से काटोगे तो क्या होगा? सेमी सर्कल बनेगा। क्या स्ट्रक्चर बनेगा? कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, बनेगा। इसका एंगल क्या होता है? 180 डिग्री होता है। लिख देता हूं मैं दूसरा, दूसरा बार काटा गया 180 डिग्री, 1 + 8 + 0, 9 आ गया। तीसरा बार किया गया, फिर से इसको बीच से काट दो, ये कुछ ऐसा टाइप का सर्कल बनेगा, पाई टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। इसका एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री, 9 + 0 = 9 हुआ। अब और मैं देख लेता हूं, इसको और एक बार बीच से काट दो, क्या आएगा? कुछ ऐसा टाइप का बनेगा, थोड़ा पाई टाइप का बनेगा, कुछ ऐसा ऐसा टाइप का बनेगा। इसका एंगल कितना होता है? कोई अगर मैथ पढ़ा होगा उसको पता है, 45 डिग्री, यानी 4 + 5 = अगेन 9। इसको अगर आप बीच से काटोगे तो क्या आएगा? डिवाइडेड बाई 2 करो उसको, 22.5, यानी 2 + 2 + 5 = 9। मैं चैलेंज कर रहा हूं भाई, आप कितना भी छोटा पीस में काट दो, आउटकम क्या निकलेगा? जो भी आउटकम निकलेगा आप उसको सम करो, रिजल्ट आपका 9 ही आएगा। अब आप बोलोगे यार मनीष भाई, 9 का ये चीज तो समझ में आ गया, और भी कुछ अच्छा है क्या? मैंने आपको पहले भी समझाया है, इतना ज्यादा अच्छा है ना, आपको पता ही भी नहीं है। आप 9 से ना किसी भी चीज को मल्टीप्लाई कर दो, आप 1 को मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट 9 ही आएगा। आप 9 से ना, मान लो आप 9 से 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 18, 1 + 8, रिजल्ट 9 आएगा। आप कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, 3 को कर दो, रिजल्ट 27, 2 + 7, 9 ही आएगा। 9 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट 36, 3 + 6, 9 आएगा। 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट 45, 4 + 5 = 9, 6 = 54, 5 + 4 = 9। आप कोई भी नंबर को अगर 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आउटकम 9 आएगा। बट जानते हो ट्विस्ट कहां पे आ जाता है? आप जब कोई नंबर को 9 से ऐड करते हो तब ट्विस्ट आ जाता है। कैसा ट्विस्ट आता है मैं आपको दिखलाता हूं। कोई भी, दुनिया का कोई भी नंबर ले लो, 9 से ऐड कर दो। मान लो आपका फेवरेट नंबर होगा, महेंद्र सिंह धोनी का फेवरेट नंबर है नंबर 7, मैंने ऐड कर दिया, 9 + 7 क्या होता है? क्या होता है कैलकुलेट करो, 16 होता है, 16 मैंने लिख दिया। आप बोलोगे अरे मनीष भाई ये तो 16 है, 7 कहां से आया? 1 + 6 क्या होता है? 7 होता है। हुआ। मान लो बहुतों का फेवरेट नंबर होता है नंबर 8, 1 + 8, मैंने इसको प्लस किया, 9 + 8 कितना होगा? मैंने इसको प्लस किया, क्या रिजल्ट आ जाएगा मेरा? 17, 1 + 7 अगेन 8 आ गया। तो रिजल्ट क्या है गाइस? अगर 9 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आउटकम 9 ही निकलेगा। अगर 9 को किसी नंबर से प्लस करोगे तो आउटकम वो नंबर ही निकलेगा जो नंबर को आप प्लस कर रहे हो। इतना पावरफुल नंबर है। अब आप बोलोगे मनीष भाई और कुछ है क्या पावर? भाई क्या देखोगे पावर यार नंबर 9 का? माँ के पेट में कोई बच्चा कितना टाइम रहता है? 9 महीना ही रहता है, ठीक है? माँ के पेट में कोई बच्चा कितना टाइम रहेगा? 9 महीने ही रहेगा। अगर 9 महीने से पहले पैदा हो जाता है तो कुपोषित पैदा हो जाता है। आप देख लो, 9 दुर्गा, 9 रात्रि, हनुमान चालीसा पढ़ते हो 108 बार पढ़ते हो, कितना हो गया? अगेन 9 पे आ गया। आप और भी एग्जाम्पल ले लो, आप दुनिया का कोई भी एग्जाम्पल ले लो, क्या ऐसा ट्विस्ट है कि भाई हमारा ग्रह गोली है? क्या ऐसा ट्विस्ट है कि 9 राशि होता है? क्या ऐसा ट्विस्ट है कि 9 प्लैनेट ही है? कुछ तो ट्विस्ट होगा ना भाई। तो 9 का ये इंपॉर्टेंस है। 9 हमारा एंड पॉइंट होता है। 9 एंड पॉइंट कैसे होता है? 9 के हेल्प से कैसे हम लोगों ने पैसा कमाया था वो मैं आपको अब यहाँ पे बताना चाहूंगा, ठीक है?
ये देखो ये जो फॉल आया था ना, मैं इस फॉल को पूरा रिमूव कर देता हूँ। 9 एक ऐसा नंबर है ना गाइज, इसके लिए ना किसी को रिस्पेक्ट देने की जरूरत नहीं है, ना कोई कैंडल, ना कोई कैंडलस्टिक्स पैटर्न, ना कोई कैंडलस्टिक्स स्ट्रक्चर, डायरेक्टली आप 9 को इंपॉर्टेंस देते हो। ये जो लास्ट फॉल आया था ना गाइज, आप कोई भी रैंडमली कोई भी देख लो, ये फॉल हो गया, चाहे कोई भी फॉल आप देख लो, आप उठा के कोई भी फॉल देख लेना, ठीक है, यही फॉल आप देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या ऐसा होता है कि भाई यहां से स्टार्ट हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या ऐसा हुआ कि भाई 9 कैंडल ही बना के गिरा? आप यहां का देख लो, क्या ऐसा हुआ कि 9 कैंडल बना के भाई ब्रेकआउट के मतलब रेंज में आया और उसके बाद ही ब्रेकआउट दिया? क्या ऐसा हुआ? आप हर बार देख लो, आप देखना जब भी रेंज में आएगा ना मार्केट, आप जाके नंबर काउंट कर लेना, जब भी रेंज में आएगा ना ये अपने आप को होल्ड करेगा, एटलीस्ट 9 कैंडल होल्ड करता है और 9 कैंडल के बाद अचानक से उसका सैचुरेशन लेवल आ जाता है, उसको ब्लास्ट करना ही पड़ता है, ठीक है। आप रैंडमली कोई भी टाइम का देख लो, आप थोड़ा और पीछे चल जाओ, अभी हाल फिलहाल में भी कभी मार्केट अभी गिरा था, ठीक है। आप फॉल्स को देखो, 9 में क्या होता है ना, 9 में भी अपन कैंडल्स को खाली कैलकुलेट नहीं करते, अपन फॉल को प्राइस को कैलकुलेट करते हैं। अभी यहां पे आप देखोगे, ये देखो क्या ऐसा हुआ भाई, यहां पे भी देखो क्या ऐसा हुआ कि 9 कैंडल बना के ही अपने आप को मार्केट चढ़ाया, उसके बाद जो डिसीजन लेना था लिया, यहां पे क्या ऐसा हुआ, ठीक है, ये देखो यहां पे क्या ऐसा हुआ कि 9 कैंडल बना के ही मार्केट गिरा। कुछ तो इंपॉर्टेंस है उस 9 का, तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है गाइस। आपको बिलीव नहीं होगा, ये जो ट्रेंड होता है ना, ये जो ट्रेंड होता है, इस ट्रेंड पे भी ना कहीं अपन नंबर 9 को या फिर नंबर 5 को इंपॉर्टेंस देते हुए चलते हैं कि 5 बार मार्केट एक ही ट्रेंड को फॉलो करेगा और उसके बाद मार्केट का ट्रेंड में कुछ बदबदाव होगा और फिर उसके बाद वो आगे अपना डिसाइड करेगा। एग्जाम्पल मैं आपको दिखलाता हूँ, देखना, ट्रेंड में हमेशा कौन से टाइम फ्रेम में देखता हूँ, 1 आवर टाइम फ्रेम में देखता हूँ। मैं आपको अभी लेटेस्ट का एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है, ये मैं हटा रहा हूँ, ओके। अगर आप में से किसी को ट्रेंड का नॉलेज होगा तो जरूर से ये चीज पसंद आएगा। ये देखो गाइस, आपको याद है यहाँ पे ना हम लोगों ने एक पोजीशन लिया था जहां पे 1.8 लाख रुपीज लगा के हम लोगों ने 4 लाख रुपया कमाया था। मैंने यूट्यूब पे भी वो वीडियो इंस्टाग्राम स्टोरीज में मैंने डाला था, ठीक है। अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे गाइस, कुछ तो ऐसा होगा, एक बार मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक ट्रेंड यहाँ पे आया, लो ब्रेक नहीं किया, प्रीवियस लो ब्रेक नहीं किया, ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया, प्रीवियस लो ब्रेक नहीं किया, ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया, प्रीवियस लो ब्रेक नहीं किया। आप देखो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, ये देखो चार बार और पांचवा बार में ब्रेक। कुछ तो ट्विस्ट होगा, हर बार होता है। आप तो ये पुराना देख रहे हो, मैं तो आपको बोल रहा हूँ लेटेस्ट देख लो। नंबर 5 पे यहाँ पे इंपॉर्टेंस हुआ ना, ये देखो ये लेटेस्ट देखो, ठीक है। आप देखो यहां से हमारा रैली स्टार्ट हुआ, यहां से 1 2 3, ये देखो ये 4, ठीक है, ये 4, ये देखो 4, पांचवा बार मार्केट नीचे आया, ठीक है। दूसरा दिन गैप अप खुल के फिर नया अपना ट्रेंड डिसाइड किया और फिर अपने को एक ट्रेंडी मार्केट देखने को मिला। अब दोबारा अगर अब मार्केट में अपन क्या देख रहे हैं कि अब दोबारा नंबर को कब रिस्पेक्ट मिलेगा, अब अगर इसके नीचे ब्रेक कर देगा, अभी एक बार जा चुका है, दो जा चुका है, तीन जा चुका है, चार जा चुका है, यहां पांचवा के पास चल रहा, अब अगर ब्रेक करेगा दोबारा नंबर 5 को रिस्पेक्ट मिलेगा, दोबारा ट्रेंड चेंज का चांसेस बनेगा। इस वे में गाइस, इस वे में दिया जाता है नंबर्स को इंपॉर्टेंस और स्पेशली 3, 5, 9 का इंपॉर्टेंस। 6 का भी अपने में इंपॉर्टेंस है गाइस, अगर बताने लग जाऊंगा तो अलग स्टोरी बन जाएगा। न्यूट्रल कैंडल का अपने में इंपॉर्टेंस है, बताने लग जाऊंगा तो अलग वीडियो बन जाएगा, अलग स्टोरी बन जाएगा। न्यूट्रल कैंडल पे वीडियो चाहते हो 3.5 लाइक के करो, अभी करो, मैं वीडियो डालूंगा। एक स्पेशल अनाउंसमेंट करता हूं गाइस, थोड़ा ध्यान से सुनना। देखो गाइस, एक स्पेशल चीज जो अनाउंस करने वाला हूं वो ये है, ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स मई बैच का रजिस्ट्रेशन चल रहा है, ठीक है। विदाउट एनी वेस्ट, अगर आप ये कोर्स का खाली कंटेंट देखो, क्या क्या इस कंटेंट में पढ़ाया जा रहा, देखो 30 दिन का लाइव ट्रेडिंग ड्यूरेशन है, 1 महीना पूरा मैं आपके साथ लूंगा, पूरा डिटेल देख लो, हर एक चीज इस कोर्स में कवर हो रहा है, चाहे वो 15-15 स्ट्रैटेजी हो जो कि मैंने नंबर साइंस से बनाया है, चाहे वो एल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ हो, चाहे वो नंबर से रिलेटेड कुछ हो, चाहे वो स्ट्रैटेजी हो, चाहे वो सिस्टम हो, चाहे वो सेटअप हो, हर एक चीज काफी डिटेल में ये कोर्स में बता रहा हूं। अब आप बोलोगे यार मनीष भाई बहुत महंगा कोर्स होता है लोगों का, आप यहां पे देखो पहले, ठीक है। आप अगर यहां पे देखोगे गाइस, कोर्स कितने का है, कोर्स है मात्र 9,700 रुपए का, ठीक है। अब इसमें भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है, कूपन कोड यूज करना, GIFT गिफ्ट 359 कूपन कोड है, देखो इसमें मैंने 359 डाल दिया है, 359 कूपन कोड है, आपको डायरेक्टली 2,000 से 3,000 रुपए का ऑफ मिलेगा, कोर्स हो जाएगा आपका ये 6,000 रुपए का, ठीक है। साथ में फ्री में टेलीग्राम का एक्सेस दे रहा हूं, 1 मंथ का फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम एक्सेस है, ठीक है। तो जिसको ज्वाइन करना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई, और आपको पता है भाई मनीष सिन्हा नाम है, 6,000 रुपए ना एक ट्रेड में निकलवा देता हूँ, ठीक है। टेलीग्राम का हिस्ट्री जाके देख लेना, आपको पता चल जाएगा 6,000 रुपए एक ट्रेड में भी निकल जाता है,
ठीक है, अगर ट्रेड करोगे तो निकलेगा, नहीं करोगे तो नहीं निकलेगा, ठीक है। तो जिसको ज्वाइन करना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ज्वाइन कर लेना, काफी मजा आने वाला है, काफी मजा आने वाला है, ठीक है। और अभी आपको ये पूरा कंटेंट कैसा लगा एक बार जरूर से बताना। आने वाले टाइम में मार्केट बिहेवियर जितना कुछ मेरे को आता है हर एक चीज यूट्यूब पे काफी डिटेल में लाऊंगा। वीडियो का लाइक एम का टारगेट पूरा करना, कमेंट करना कैसा लगा वीडियो, जरूर से बताना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत गाइस।